नमस्कार, मैं हूं अमृता और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सारेगामापा लिटिल चैंप्स की एक प्रतिभागी जो 2007 में स्टेज को हिला चुकी थी। उनका नाम है सोनिया उपाध्याय। तो सोनिया जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल में। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और उसी के उपलक्ष्य में नागपुर में आप पधारे हो, कैसा अनुभव है आपका? बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज़ फर्स्ट टाइम मैं नागपुर आई हूँ और नवरात्रि का तो सीज़न है, बट हम लोग आज नवरात्रि से रिलेटेड कोई परफॉर्मेंस नहीं देने वाले। ये बॉलीवुड शो है और आई एम सो ग्लैड टू बी हियर एंड फर्स्ट टाइम है, तो लेट्स सी क्या होता है, मज़ा आएगा। तो पहली बार सोनिया जी नागपुर आए हैं, कैसा लग रहा है नागपुर में आके? क्योंकि बहुत से चेंजेस हो गए हैं नागपुर में, आप इसके पहले शायद आप नहीं आए हो तो आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी कैसा लग रहा है नागपुर सिटी? नागपुर सिटी बहुत अच्छा है एंड अभी तो मैंने इतना एक्सप्लोर किया नहीं है, बट स्टिल पीपल आर वेरी यू नो हेल्पिंग एंड बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। लेट्स सी, लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो परफॉर्म टुनाइट। हम ये पूछ रहे हैं, इस वक्त आप इस बार जो परफॉर्म करने वाले हो वो कहाँ परफॉर्मेंस आपका है और आगे भी आपका कुछ प्लान है नागपुर में? सो या मैं आज वॉस्कॉन 2024 कॉन्फ्रेंस है एक, उसी में मैं परफॉर्मेंस देने वाली हूँ अपनी एंड आई एम सो ग्लैड दैट उन्होंने मुझे आज इनवाइट किया है एंड फर्स्ट टाइम हमेशा सुना था नागपुर सिटी के बारे में, बट आज मैं यहाँ परफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी है एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो सी पीपल हाउ दे रिएक्ट ऑन माई परफॉर्मेंस और क्या मज़ा आता है, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे चल के भी नागपुर में ज़रूर आए, क्योंकि नागपुर बहुत अच्छी सिटी है और नागपुर के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। और एक लास्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपका जब लिटिल चैंप्स में आपका अनुभव रहा है, बेस्ट मोमेंट क्या रहा है आपका लाइफ में? वो एक्चुअली वो मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था, क्योंकि बहुत छोटे शहर से आने के बाद बचपन में तो इतना कुछ पता नहीं होता है, बट उसके बाद में मैंने बॉम्बे सिटी देखी एंड उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो बेस्ट मोमेंट यही है कि मैं वहाँ थी और वहाँ से मेरी जर्नी अब नागपुर तक आ गई है। थैंक यू सो मच मैम कि आपने आपका वक्त जो है वो हमारे साथ साझा किया और अपने अनुभव भी हमें साझा किए। तो आपने सबने सुना कि सोनिया उपाध्याय की जर्नी कैसी रही और नागपुर में उनके क्या अनुभव रहे। कैमरा पर्सन मोहन मिश्रा के साथ मैं अमृता, महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए नमस्कार।